नमस्ते दोस्तों, आज शाम से यानी 15 दिसंबर से एक सोशल मीडिया के लगभग सभी ग्रुप्स में एक ऑडियो वायरल हो रहा है। बहुत सारे ग्रुपों में जब आया तो मैंने भी उसे सुना। सुनकर पहले तो हंसी आई, फिर कहीं ना कहीं खंत भी हुआ, दुख भी हुआ। ये ऑडियो है कोई मार्ल वर्ग कांबा में रहने वाले चंदू नाम के व्यक्ति का, जो हमारे शहर के 141 उल्लास नगर के आमदार श्री कुमार अलानी जी से मोबाइल पर बात कर रहे हैं। ये बातचीत उस सड़क के लिए है जो मार्ल गांव नाका से लेकर ताबोर आश्रम कांबा गांव तक है, जो पिछले एक वर्ष से बेहद ही निंदनीय, खस्ता हाल और बेहद ही टूटी फूटी पड़ी है। पिछले एक साल से उसके लिए आंदोलन के लिए बात की जा रही है। कल 16 तारीख को वहां पे आंदोलन है, रास्ता रोको आंदोलन, सर्वपक्षीय आंदोलन है। पर इन तीन गांव के आमदार होने के नाते उस चंदू नामक व्यक्ति ने आमदार जी को कहा कि आप आ रहे हैं ना, तो हंसी इसलिए आई कि पहले तो सीधे सीधे आमदार जी ने कहा कर दिया, नहीं नहीं, फिर कहा कि मैं सरकार में हूं, कैसे आऊं, फिर कहा कि मुझे ऊपर वाले नेताओं से पूछना पड़ेगा। पर खंत दुख तब हुआ जब वो सड़क नजर के सामने आई। हम भी बहुत बार यहां से इन सड़कों से दिन में गुजरते हैं, बेहद ही निंदनीय हालत में है। छोटे मोटे वाहन क्या, बड़े वाहन भी इन गड्ढों में, इस खड़ताल सड़क के कारण धूल मिट्टी, बारिश में कीचड़, गंदा पानी, जल जमाव की वजह से परेशानी देखने को मिल रही है। पर हम तो कभी कभार जाते हैं, दुख उन लोगों की इस व्याख्या को सोचते हुआ जो आए दिन हजारों लोग इस सड़क से गुजरते हैं। आमदार जी ने, जो चंदू नाम का व्यक्ति था, वो गांव कड़ी था, गांव में रहने वाला था। मैं जो मुझे यहां तक मुझे याद आ रहा है तो आमदार कुमार रानी जी को इन गांव से सबसे अधिक प्रतिशत वोट मिले हैं कंपेयर टू सिटी। तो हम ये तो देखते हैं कि आमदार जी गांव के लिए कभी भी संवेदनशील होते नहीं है, बहुत बार ऐसे देखा गया है। शहर के प्रति तो वो संवेदनशील दिखाई देते हैं मोर्चों में, अपने कार्यक्रमों में, पर गांव वालों का छोड़िए, आप गांव वालों का नहीं सोचते हमें मालूम है, पर शहर के जो उल्लासनगर वासी है, मैं स्पष्ट कहूं कि सिंधी समाज के जो लोग हैं उनका तो सोचिए। इस सड़क पर आए दिन इस सड़क पर आने वाले, यहां पे 3 से 4 बड़े स्कूल हैं, जैसे सेक्रेट हार्ट, बीबीआरटी, मेरिडियन, उसमें उल्लासनगर शहर के हजारों छात्र स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो दिन में 2 बार सवेरे और दोपहर को यहां पर यहां से गुजरते हैं, बस के तरीके, निजी वाहनों में, टू व्हीलर्स पर और साइकिल में। उनको क्या तकलीफ होती होगी, उनकी क्या वेदना होगी, जरा उनको समझिए। इस सड़क पर बड़ी बड़ी इमारतें बन चुकी है, यहां पर शहर के हजारों परिवार वहां शिफ्ट हो गए हैं, जैसे रेजेंसी एंटीलिया, ठारवानी, राधास्वामी रेसिडेंसी, सीमा रिसोर्ट, कोणार्क मीडोज। उनमें रहने वाले परिवारों को दिन में कितनी बार आवाजाही इस सड़क पर करनी होती होगी, उनकी कमर या उनकी जो मानसिकता होगी उसका ख्याल रखते थे। इस सड़क पर एक बहुत बड़ा बाबा जी राधा स्वामी वालों का डेरा है और वहां पर हर मंगलवार और रविवार को सत्संग होता है। उल्लासनगर शहर की, मैं कहूं सिंधी समाज की, हजारों महिलाएं, हजारों पुरुष उस सत्संग में जाते हैं, तो उनकी क्या हालत होती होगी, वो शांति के लिए सत्संग में जानते हैं और इस सड़क से गुजरने के वक्त उनकी क्या हालत होती, कम से कम उसका ख्याल भी तो रखा जाता। पर आप संवेदनशील नहीं है, आपने सीधा इस मोर्चे में जो इस सड़क के निर्माण के लिए जल्द से जल्द बने उसके लिए ऑल पार्टी की तरफ से किया गया है, उस पे आपने कहा मैं नहीं आ सकता, मैं सरकार में हूं, मुझे ऊपर वाले नेताओं से पूछना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि ये उन मतदार, उन वोटर्स या उन शहर में जिन्होंने आपको वोट दिया है या नहीं दिया है, उनके साथ कहीं ना कहीं ये आपकी संवेदनशीलता को दिखाता है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी,
हमेशा इस सड़क को लेकर आंदोलन करती आई है। आज हम केंद्र में विपक्ष में हैं, राज्य में विपक्ष में और उल्लासनगर शहर में विपक्ष में हैं। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस मोर्चे में शामिल होगी, अपना पक्ष रखेगी, अपनी भूमिका रखेगी और लड़ेगी। जब तक सरकार इस सड़क को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं करती, टेंडर तो हो गए, काम तो चालू हुआ है, बहुत सारे आश्वासन तो मिले हैं, पर पूरा नहीं हुआ। जब तक पूरा नहीं होता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कार्यरत है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कांबा गांव में, वरब गांव में राष्ट्रवादी की ग्राम पंचायत में सरकार है। यहां तक कि मारल, उसमें भी सरपंच उप सरपंच बनते हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य और ग्राम सेवकों के आधार पर ही बैठते हैं। तो इन गांव वालों के लिए और इस शहर से, हमारे उल्लासनगर से जो हजारों विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स हैं, बाबा जी पे डेरे पे जाने वाले हजारों श्रद्धालु हैं, और इन मार्गों में रहने वाले जितने भी परिवार हैं, उनके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सड़क पर आएगी, लड़ेगी और राज्य सरकार को और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को पूरी तरह से इस पर जगाएगी और इस सड़क का कार्य पूरा करके लेगी। धन्यवाद।